तो हम मैं जा रही हूँ चितरंजन घूमने पापा लोग के घर जहाँ वो रहते थे। तो और ये देखिए रास्ते कितने प्यारे हैं, कितनी ग्रीनरी, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे आज तक सबसे अच्छा यही जगह लगी है अभी तक, बहुत शांत और ग्रीन 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 सब कुछ एकदम नेचुरल फीलिंग आती है यहाँ पे। तो ये देखिए रोड भी कितने नीट एंड क्लीन है कि मम्मी पापा और हर्ष आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे ऋषि ऋषि भैया के साथ जा रही हूँ। तो ये देखिए हम आ गए हैं घर, यहीं पर रहते थे मम्मी पापा और इनका बचपन यहीं बीता है। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं बुआ जी के घर। तो हम पहुंच गए हैं रमन भैया लोग के घर पे। तो ये देखिए हर्ष सो रहा है और ये देखिए रमन भैया और ये दीदी। तो ये इनको मैंने वीडियो कॉल की तो ये सबसे बातें कर रहे हैं रमन भैया लोग से, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं रोजी भाभी के घर। ये देखिए मम्मी जा रही थी बट रास्ते में गए काका काकी, तो हम लोग उनसे मिलने लगे। तो अब हम आ गए रोजी भाभी के घर। तो ये लोग को बहुत खुशी हो रही है हमें देख के और मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश है, बातें कर रही है बंगाली स्टाइल में, मतलब मिक्स पंजाबी भूल गए अब हिंदी में बातें कर रहे हैं मम्मी। तो ये है रोजी भाभी का घर। तो ये है किचन, ये है इधर डाइनिंग टेबल था। तो ये है उनकी आंगन, सब कोई झटपट जाएगी, हम लोग भी सारे लगे सबको दिखाना, हम लोग फिर भी अपना बचपन याद आता है ना। हाँ यहाँ रहती थी यहाँ रूबी अंकल, थोड़ा सा कुछ बोलते थे कैसे डांट देते थे और डैडी जी और भैया बातें कर रहे हैं। हम जो 2007 में किए, साथ में किए ये हम लोग आ गए दादू के फ्रेंड के घर, बाबा जी के फ्रेंड लगे। दादू के दोस्त मिलो, सत श्रीकाल बोलो, सत श्रीकाल। अब उठा है छोड़ेगा नहीं, वही तो बात है। कितना अच्छा लगता था ना पिकनिक बनाते थे सब, और जब नवमी नवमी बहू थी बना लो सब का दीदी लोग का बना लो फिर डालेगी यूट्यूब पर की है ना, उसमें डाल देगी सबको। पांडे साहब तो हम अक्सर उनके घर जाते थे, दमादो ही थे वो भी अकाउंट में है तो बहुत बात कर लेती है कभी कभी, बैंगलोर पर जाते तो हमसे बात अच्छी होती थी। तो हमारा पास मिसिंग हो गया था ना जो ये लोग भेजा था यहाँ से 900। चलो बाबू चलो अब चले, तो मम्मी अपना घर दिखाने जा रही है, मेरा पुराना ससुराल तो मैं देखने जा रही हूँ, एंटर करने जा रही हूँ। गाड़ी रखते थे हम लोग तो सारा कुछ वैसे हाँ। ही है। नमस्ते कैसी है, ठीक है, बोलिए मैं हम अपना ससुराल करते। नमस्ते भैया, हम ले चलो तुमको दिखा के लाते हैं, इसको दिखा दीजिए देखो यहाँ हम लोग पलंग बिछाते थे तो इधर में सुबह था यहाँ टीवी रखते थे आपका शोकेस था, ठीक है ना। आ जाओ अच्छा, पलंग था चारों लड़की सोती थी अभी तो सारा कुछ वैसे ही है, और सही है तो किचन भी सारा कुछ वैसे ही है, हम ही लोग का तो वैसे ही वैसे है सारा कुछ, हम इसी तो छोड़े था वैसे ही सारा कुछ है। ये वॉशरूम भी हो गई है, यहाँ घर बनाए थे देख, जहाँ घर बनाए थे पक्का।
सारा कुछ वैसे का वैसे है। बोली अपना घर में जरूर लेके जाना, जद्दी ससुराल जद्दी यही है, रिटायर हो गए तो क्या होगा। जब भी हम सारा घूमे और हर्ष यहाँ बैठ के भाभी जी के साथ खेला। हर्ष चलो घर चलिए, हर्षु खुद रे काली जुर जुर तो रो रहा था, ये कर रहा था। हर्षु चलिए चलिए, बड्डी मम्मा बुला रहे, बड्डी मम्मा अपने। ये भी बड्डी मम्मा बोलता है। हाँ ये भी बड्डी मम्मी बोलता है। मिलने के लिए क्या किया जाए, ये सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं और हमने सबसे मिल लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती की। भैया तो देखा नहीं, ये रोने लग गया, अभी सो रहा था, अभी नींद आ रहा था उसकी। इतनी सारी दादी है, इतनी दादी है, देखो जा रही इसके साथ। मस्ती की सबके साथ, मिले हंसे खेले और अब जा रहे हैं घर। उसके बाद हम जाएंगे और भी आपको दिखाते हैं।